सच सच बताओ, तुमने कल रात आदम को क्या बोला है? चलो जी, चाबी देकर भेज दिया उसने तुम्हें सुबह सवेरे यहाँ। बकवास नहीं करो, बहाना बनाकर आई हूं मैं। वहां तुम्हारी शादी पड़ोस में करवाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुबह और शाम यहाँ हाजिरियां लगाओ। तुम मुझे बता, तुमने आदम के जहन में कौन सा जहर घोला है? फॉर गॉड सेक, अब ये मत कहना कि वो मेरी वजह से सारी रात खुआर हुआ है सड़कों पर। बड़ा आया मजनू 2022। तुम इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? उसमें इंसानियत नाम की चीज है? 20 साल से वो दुश्मनी निभा रहा है, अब अचानक से उसे मोहब्बत हो गई तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है? और मैं किस खुशी में उसे कदमों में बैठ जाऊं? कदमों में नहीं बैठो, लेकिन इंसल्ट तो नहीं करो ना उसकी। अब्बा को पता चल गया ना कि उनका चहेता किस चैनल पे चल रहा है, तो मेरे हाथों इसकी बोरी सिलवाना शुरू कर देंगे। अगर अब्बा को पता चला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नेहा। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम उसको बता देना कि अब्बा को सारे पसंद आ चुके हैं। और तुम्हें पसंद है सारे? ना पसंद करने की वजह? मोहब्बत करती हूँ उससे। ओ प्लीज माहा, 90% मशरे की लड़कियों की तरह मोहब्बत मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। शादी के लिए मैं मोहब्बत से ज्यादा दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग को तरजीह देती हूँ। ओ भाई, तुम्हारा बाप पूरा घर सर पर उठा चुका है, देर हो रही है उन्हें यूनिवर्सिटी के लिए। तभी मैं कहूँ कि ये जलजला क्यों आ रहा है। चल, आपकी प्यारी बेटी आई है, इसे खिलाएं पिलाएं, दूध पिलाएं पानी पिलाएं, मैं जा रही हूँ। बाय। आपकी तबीयत कैसी है मम्मी? बेहतर हूँ, मेरा तो घर ही खाली हो गया तुम्हारे जाने से। नेहा तो कह रही थी तुम्हारी शादी से निकल आएगी, सुबह शाम तुम यहाँ हाजिरियां देती रहो। अब छोड़ो उसे, वो तो पागल है। ओए आदम के बच्चे, रुको। छलावे की तरह तुमसे छुप रहा है। ऐसे भाग रहा है जैसे मेरा कर्ज देना उसने। मोहब्बत भी एक कर्ज है मेरी जान, बिना सूद लौटाना पड़ती है। एक्सक्यूज मी, ऐसे कर्जों के चक्रों में नहीं पड़ती मैं, और सूद से तो मुझे सख्त नफरत है। तो बख्श दो ना उसकी जान, क्या बच्चे की जान लोगी अब तुम? महा के साथ चुगली कर रहा था वो, उसको तो मैं मजा चखाऊंगी। मजा तो वो रोज ही चख रहा है, तुमसे रोज बेइज्जत होता है सुबह शाम। गया कहां वो? पता नहीं, एकदम ही गायब हो गया।